स्वागत है आप सभी का फुटबॉल एक्सप्रेस इंडिया चैनल पर। एंड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे फुटबॉल के रिलेटेड, तो इंडियन फुटबॉल में आपको इतना पता लग रहा होगा कि नेक्स्ट सीजन ISL के लिए काफ़ी ज़्यादा टीम्स फोकस कर रही हैं एंड वो अपना स्क्वाड स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर्स पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आपसे एक सिंपल सवाल है कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट सीजन ISL में कौन ट्रॉफी क्लिंच करेगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड लेट स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एशियन कप ड्रॉ से बात करते हुए। तो हाल ही में रिसेंटली एशियन कप ड्रॉ रिलीज हुए थे एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ड्रॉ हुई है ग्रुप बी में अगेंस्ट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया। एंड इगोर स्टिमाच की बात करें हमारे हेड कोच की नेशनल टीम के, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि काफ़ी ज़्यादा टफ जॉब है एंड ड्रॉ काफ़ी ज़्यादा टफ है हमारे लिए लास्ट 4 ईयर्स से कंपेयर करें तो, लेकिन हम फाइट करेंगे, कोई ऑप्शन भी नहीं है एंड हम इंडिया है तो हम कंटिन्यूसली फाइट करेंगे। एंड बात करें अगर रैंकिंग्स की, तो ऑस्ट्रेलिया रैंक होती है 29th पोजीशन पे, उज़्बेकिस्तान रैंक होती है 74th पोजीशन पे एंड सीरिया है 90th पोजीशन पे। तो काफ़ी ज़्यादा टफ जॉब तो है हमारे लिए, लेकिन हम क्विटर्स नहीं है सो हम फाइट करेंगे। एंड अगर बात करें एशियन कप की, तो वो चालू होने वाला है January 2024 से, जहाँ पर इंडिया का जो पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के सामने वो January 13th को खेला जाएगा। टाइमिंग्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है इंडियन फैंस के लिए, 5 PM, 8 PM एंड 5 PM को मैचेस है रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान एंड सीरिया। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है मुंबई सिटी FC का होम स्टेडियम, वहाँ पर पीपल एलिजली वेर यूजिंग इट फॉर वेडिंग्स एंड शूटिंग्स। एंड जब ये कंप्लेंट BJP MLA अमित सत्तम के पास गई, तो उन्होंने हाल ही में रिसेंटली विजिट किया ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड उन्होंने एक लेटर लिखा सिविक चीफ इकबाल सिंह चहल को कि अगर यहाँ पर फुटबॉल मैचेस होती है मुंबई सिटी FC की, तो वो मोस्टली होती है अक्टूबर टू मार्च तक, अगर एक स्पैन देखा जाए ISL की मैचेस का, उसके बीच में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाली रहता है। तो जब BNC ने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो उन्होंने ये माइंड में रखा था कि इसे यूज़ कर पाए पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच पीपल तीनों जन, लेकिन अगर इलीट क्लास इसे यूज़ करती है सिर्फ अपने वेडिंग्स एंड शूटिंग्स के लिए, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होना चाहिए एंड दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विजिट करने का। गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस, जो नेक्स्ट सीजन इंडियन फुटबॉल का वो चालू होने वाला है जुलाई से एंड दुरंत कप विल बी द कर्टन ओपनर। एंड जो ISL है इंडियन सुपर लीग, वो चालू होने वाला है बिटवीन September 22nd to 24th के बीच में एंड ये खुद मार्कस मरगल्लाओ ने कन्फर्म किया है। तो पहला ट्रांसफर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे नेशनल टीम गोलकीपर अमरिंदर सिंह के बारे में, जिनका परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छा रहा है ओडिशा के FC के साथ एंड आप भी जानते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स एट द मोमेंट फॉर द इंडियन नेशनल टीम एज वेल एज ओडिशा FC। सो ओडिशा FC ने उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है एंड ही स्टेइंग विद देम अंटिल 2026। एंड बात करें अगर अमरिंदर सिंह की, तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि रिसेंटली हुए सुपर कप में उनके परफॉर्मेंसेस कितने बेहतर थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस फॉर ओडिशा। एंड अगर बात करें उनके टूर्नामेंट की, तो ओडिशा FC जीती तो थी, लेकिन उनका भी काफ़ी ज़्यादा हाथ था, अमरिंदर सिंह ने काफ़ी ज़्यादा सेव्स एंड इनफैक्ट उनको बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला था। सो ओडिशा FC काफ़ी ज़्यादा सीरियस है नेक्स्ट ISL पे एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ अमरिंदर सिंह, एक स्टेप तो लगता है कि ओडिशा FC ने ले लिया है ISL जीतने के लिए। अब अगर ओडिशा FC की बात चली रही है, तो बात कर लेते हैं उनके एक टारगेट पर, जो है अहमद जहू, जो मुंबई सिटी FC के प्लेयर है एंड आफ्टर दिस सीजन वो एक फ्री एजेंट बनकर निकलेंगे। सो अहमद जहू को परस्यू करने के लिए ओडिशा FC काफ़ी ज़्यादा पुशअप कर रही है एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि सरजू लोबेरो को रिसेंटली ओडिशा FC ने अपना कोच रखी है। सो वो चाहेंगे कि आफ्टर दर विन इन द सुपर कप वो ISL में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे एंड सिंस हैविंग अ स्पेशल डिफेंसिव मिडफील्डर लाइक अहमद जहू, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड आई होप ओडिशा FC डज गेट द बेटर ऑफ हिम। ATK MB डिफेंडर तीरी जो है वो 3 सीजन बिताने के बाद ATK MB लीव कर रहे हैं, ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया है एंड इसी के बाद तीरी को परस्यू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टीम्स फोकस कर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं तीरी के ATK MB में परफॉर्मेंसेस की। सो 3 सीजन बिताने पर जो स्टार्टिंग के 2 सीजन थे उसमें तीरी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए थे एंड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स थे ISL में।
रिसेंट हुए सीजन में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो खुद इंजर्ड हो गए एंड उन्हें एटी के एमबी को ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए बाहर से देखना पड़ा बेंच से। सो अब जो टीम्स उनको काफ़ी ज़्यादा परस्यू करने की कोशिश कर रही हैं वो है जमशेदपुर, बेंगलुरु एंड मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तीरी को लेकर क्योंकि मुंबई सिटी एफसी के पास मुर्तदा फॉल जो है वो निकल रहे हैं, वो निकल चुके हैं एंड वो चाहेंगे एक ऐसे डिफेंडर आए जिनके पास वो स्किल सेट हो जो मुंबई सिटी एफसी को बेनिफिट दे। एंड बात करें मुंबई सिटी एफसी की तो उनके पास ऑलरेडी एक पार्टनरशिप है मेहतादुर सिंह एंड रॉस्टिन ग्रिफिथ की जो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो चाहेंगे कि एक और एक उनके पास बेस हो डिफेंस में। सो इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। बात करते हैं जमशेदपुर एफसी की तो जमशेदपुर एफसी जो है उनका सीज़न काफ़ी ख़राब था आईएसएल में, या आप और मैं दोनों जानते हैं उनके डिफेंसिव एरर्स काफ़ी ज़्यादा हुए थे। सो वो चाहेंगे कोई ऐसे डिफेंडर आए जो उनको बेस बनाकर दे डिफेंस पर एंड वो मिस्टेक्स कम से कम हो। सो तीरी इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड ऑलरेडी उनके फॉर्मर क्लब है सो जा तो सकते हैं तीरी वहाँ पर। एंड बात कर अगर बेंगलुरु की तो बेंगलुरु फाइनल तक पहुँची थी आईएसएल के लास्ट सीज़न एंड सुपर कप के भी फाइनल तक पहुँचे थे। सो फाइनल तक तो पहुँचे थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिफेंस में थोड़ा बहुत इशू है बेंगलुरु के। सो वो चाहेंगे कोई ऐसा प्लेयर आए जो उन्हें वो डिफेंसिव लाइन मेंटेन करके दे एंड जैसा कि आप जानते हैं तीरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन आईएसएल, सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बेंगलुरु कैन हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया है। एंड रुकिए, ये कोई मेन प्लेयर नहीं है इंडिया का बल्कि एक वुमेन प्लेयर है जिनका नाम है मनीषा कल्याण। उनका ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी रोमांचक था एंड अगर उनके सीज़न की बात करें तो उन्होंने 17 गेम्स प्ले किए थे, 6 गोल स्कोर किए हैं, साइप्रस की बेस्ट 11 में भी आए हैं, साइप्रस की लीग कप भी जीते हैं, देन यूएफा चैंपियंस लीग खेलने वाली फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनी है एंड फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जो एक यूरोपियन टाइटल जीती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा एंड होप आगे भी हम आपसे ऐसी परफॉर्मेंसेस देखते रहे। एक काफ़ी दुखद खबर हमारे पास आई है कि चिंगलेनसना सिंग्स जिनका घर कुमजम्बा मितिलईकी में है उसको वैंडलाइज कर चुका गया है, उसको लूट कर चुका गया है, तबाह कर चुका गया है क्योंकि मणिपुर में जो राइट्स चल रहे हैं उसी के वजह से एंड उनकी फैमिली रन पर है, रेफ्यूजी बनकर रह रही है मोरांज में अपने उनके अंकल के साथ। एंड ये काफ़ी दुखद खबर है कि एक प्लेयर को ऐसा गुजरना पड़ रहा है, एक स्टेट को ऐसा गुजरना पड़ रहा है इनफैक्ट। सो हम आपके साथ हैं एंड हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि ये राइड्स ख़त्म हो एंड सब अपने घर पे सेफली लौट जाए। तो बात करें अगर AIFF की तो AIFF ने जून 23rd जो कि इंडियन फुटबॉल लेजेंड प्रदीप कुमार बैनर्जी का बर्थ डेट है उस पर AIFF ने उस दिन को घोषित कर चुका है AIFF ग्रास रूट्स डे एंड ये काफ़ी अच्छा ट्रिब्यूट है एक इंडियन फुटबॉल लेजेंड के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई टॉपिक मिस आउट कर दिया है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फुटबॉल एक्सप्रेस इंडिया।